हाइकोर्ट रे स्कूल खोलिबा मामला रे सुनाणी दुई मास रे स्कूल खोलिबा को राज्य सरकार को निर्देश देछंती कोर्ट। तबे हाइकोर्ट रे स्कूल खोलिबा मामला रो सुनाणी होछि अधिक आलोचना करबा कटक प्रतिनिधि इमरान खान हम सहित जोडी छंती। इमरान, हाइकोर्ट रे स्कूल खोलिबा मामला रो सुनाणी होछि आ दुई मास मध्ये रे स्कूल खोलिबा को राज्य सरकार को कोर्ट निर्देश देछंती। दीर्घ दिन धरी स्कूल बंद रहुचि, ऑनलाइन रे मध्य सठिक ढंग रे पाठ पढ़ा जाई पारुनी, एउ एकथा कोर्ट मध्य हृदयंगम करछंती जेपे सरकार को नोटिस करछंती। देखो निबेदिता, जेहेतु आप जानते कोरोना महामारी पर स्कूल बंद रही, कॉलेज बंद रही, पाठ पढ़ा व्याहत हो, छात्र छात्री मैंने फिजिकाल क्लास वंचित होती, जहाद्वारा कि पाठ पढ़ा कोटि कोटि प्रभाव पड़ता, जहाँ नहीं कि रंजिता महापात्र नामक जे महिला हाइकोर्ट एक जनस्वार्थ मामला रुजु करते, सरकार जो कोविड गाइडलाइन रही है, जो एसओपी सरकार जारी करते, ही एसओपी और कोविड गाइडलाइन अनुजाई स्कूल खोल से कोर्ट में प्रार्थना करते, से गणशिक्षा विभाग सचिव सरकार को से पक्षभुक्त मुख्य शासन सचिव सहित विभिन्न विभाग से पक्षभुक्त करते, सहित से स्कूल को तुरंत खोल सहित कोविड गाइडलाइन और एसओपी सरकार जो जारी करते जारी कर स्कूल खोलिया से कोर्ट में प्रार्थना करते, जहां आधार करोर्टे ही मामलार शुणी है और कोर्ट जहां निर्देश देखते आसंता दुई मस भितर कोविड गाइडलाइन और जो प्रार्थना जो करो आवेदनकारी जो प्रार्थना कर प्रार्थना अनुजाई कोविड गाइडलाइन अनुसारे दुई मास भितर स्कूल खोल सरकार को वर्तमान हाइकोर्ट निर्देश देखते, जहां कि आप जानते जेहेतु दीर्घ दिन धरी स्कूल बंद रही, पाने ऑनलाइन घरे रही पाठ पढ़ुंत, किंतु कोटि ना कोटि फिजिकल क्लास हो पारना पाने कोटि ना कोटि पाठ पढ़ार प्रभाव पड़ता, जहां को आधार करके आवेदनकारी कोर्ट में आवेदन करते जनस्वार्थ मामला रुजु करते, जहां आधार करके कोर्ट वर्तमान एपरी राय देखते, आसंता दुई मस भितर स्कूल खोल सहित जो गाइडलाइन रही कोविड गाइडलाइन से कोविड 19 गाइडलाइन सह एसओपी को पूरा पूरी भाव में पालन कर स्कूल खोलने वर्तमान हाइकोर्ट सरकार को निर्देश देते।